नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी में पहले दिन 40 यूनिट रक्तदान हुए। कानपुर चकेरी के 174 डिफेंस कॉलोनी जाजमू में रविवार को इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी राष्ट्रीय अध्यक्ष कुदरतुल्लाह खान ने अपनी नई ब्रांच का उद्घाटन किया। एल रक्तदान एक अनोखे तरह की पहल की टीम के सदस्यों की मेहनत ने आज बहनों ने दिल खोलकर रक्तदान करके टीम के जज्बे और उत्साह को बढ़ाया। जाजमू में आज पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी रक्तदान किया। एलजीएस पहल से आज टीम में बहुत उत्साह अधिक देखने को मिला, जिससे कानपुर की टीम में शामिल होकर आज एक नई शुरुआत की। कानपुर के सभी सदस्यों ने, जिसमें जिला अध्यक्ष शहबाज खान, महासचिव शाहब आलम, उपाध्यक्ष चांद बाबू वसीम चिश्ती, शाबान आलम, मोहम्मद फैज, आरिफ खान, शादाब हसन आलम व अन्य लोगों ने रक्तदान 40 यूनिट इमा ब्लड बैंक दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुदरतुल्लाह खान जी ने भी लखनऊ से अपनी पूरी टीम को साथ में लाकर कानपुर का साथ दिया। लखनऊ से मोहम्मद जैद, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद नुमान, हाफिज सलमान साहब लखनऊ टीम से आदि मौजूद रहे। अल वाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ शाहबाज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज खान है जी। क्या करना चाह रहे हैं आज? आज हम लोग यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं। 70 से 80 यूनिट ब्लड का डोनेट किया जाएगा और हम लोग का एक जरूर, चाहे उसका कैसे भी होता, आपको जरूर फोन करेगा। तो इसलिए हमने इस कैंप को लगाया। कैंप हमारे पास कार्ड होंगे और कार्ड का मकसद ये है कि आपको ब्लड मिलेगा, चाहे जिस टाइम हमारी टीम को फोन करिए। और ये हमारा कारवा और कानपुर पूरे शहर में बढ़ेगा, क्योंकि कानपुर शहर में ब्लड की बहुत जरूरत है, चाहे हैलट हो चाहे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मेरे पास जो डाटा है, उन डाटाओं में आप कोई भी निगेटिव चले जाएंगे। अभी मैंने कानपुर में एक केस, अभी तक सर आपने पूरे यहाँ पे कितने यूनिट दान किया होगा आपकी टीम ने? मेरी टीम ने पूरे यूपी में अभी तक 2200 यूनिट दान कर चुकी है। 2200 यूनिट दान कर चुकी है और आगे भी हमारी टीम पूरे यूपी में जहां जहां जरूरतमंद। और क्या करती है सर? और हमारी टीम खाने में काम कर रही है। जब